लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। डॉक्टर ने नवजात को नहीं चढ़ाई ऑक्सीजन, गई जान, कार्रवाई की हुई मांग। यूपी के जनपद महाराजगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलोल में ऑक्सीजन के अभाव में एक बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों की उपेक्षा की वजह से जन्मे नवजात को ऑक्सीजन नहीं मिल सका, जिसके बाद जमकर परिजनों ने हॉस्पिटल कैंपस में बवाल काटा और मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डिप्टी सीएमओ पहुंचे, परिजनों और डॉक्टरों का बयान रिकॉर्ड किया और कार्रवाई की आश्वासन दिया। प्राप्त समाचार अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलोल में प्रातः 5 बजे मिश्रवलिया निवासी पूजा तिवारी को प्रसव हुआ, जिसमें पुत्र जन्म लिया, जिसके सांस लेने में परेशानियां हो रही थी। एएनएम और मौजूद नर्सों ने एम्बुलेंस के सिलेंडर से ऑक्सीजन दिलाया, परंतु बच्चे में कोई एक्टिविटी न समझ के आने पर डॉक्टरों को दिखाने का परामर्श दिया, परंतु उसके हाथ पांव तक उस डॉक्टरों ने नहीं लगाया और मित्र घोषित कर दिया। परिजन बिलाप करने लगे, बच्चे की होंठ हिलने लगा, परिजन दंग हो गए। आनंद फानंद में एक निजी हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल से सैटेलाइट न्यूज टीम की रिपोर्ट। अम्बरीश तिवारी, क्या मामला है, क्या घटना हुआ है हॉस्पिटल? घटना का 11 बजे बहू आगे अप्लाई हुई है। किस हॉस्पिटल में? इसी निचलोल स्वास्थ्य केंद्र पे। तो क्या हुआ है? तो डिलीवरी हुआ है 5 बजे के आसपास, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। उसके बाद बच्चा नहीं बोल रहा था, इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे मौके पर थे भी नहीं। जो नर्स थी चाहे एनएम थी, वो दौड़ धूप करके इधर से उधर की है, फिर ऑक्सीजन खोली है, ऑक्सीजन लीक कर रहा था, फिर एम्बुलेंस में ला करके ऑक्सीजन में डाली है, एम्बुलेंस वाला जाके उस ऑक्सीजन को ठीक कर रहा था, फिर भी डॉक्टर आए हैं तो नर्स से उलझ गए हैं, और नर्स से उलझ करके उससे उल्टा सीधा लिखवा रहे थे, जबकि बच्चे को छुए तक नहीं है। जबकि बच्चा इनके एक और है कोई उमेश चंद, वो दोनों लोग संयुक्त रूप से पहुंचे हैं, तो क्या नाम से कि वो कहें कि बच्चा मर गया, जबकि बच्चा उसके बाद भी मुंह खोला, उनके मृतक घोषित करने के बाद भी बच्चा मुंह खोला है। तो हमारे परिवार के लोग संजीवनी में ले गए हैं, वहाँ वो मसाज दिए हैं, ऑक्सीजन दिए हैं, फिर भी बच्चा जब लेट हो गया नहीं था तो फिर कहाँ से है। उसके बाद अन्य लोगों के जुटने के बाद भी डीएनसी अब तक किसी से, परिजन से अब तक कोई सीधी बात नहीं की, और हॉस्पिटल छोड़ के डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी बच्चा मुंह खोला जी था तो लेकर के संजीवनी गए हैं, तो वहाँ वो ट्रीटमेंट किए हैं, लेकिन जब बच्चा विलम्ब हो रहा है तो बच्चा नाजुक था, जबकि बच्चा स्वस्थ था, 3 किलो के वेट का बच्चा था, बच्चे में कहीं दिक्कत नहीं थी। अगर तत्काल ट्रीटमेंट दिया गया होता तो बच्चा बचा होता। क्या किया गया डीएन सिंह द्वारा? डीएन सिंह द्वारा क्या किया जाए? डीएन सिंह तो फरार आदमी है, वो तो बिल्कुल मानवता का क्रूर, मानवता का हत्या करता है, उसका करना क्या है? लापरवाही नहीं है, घोर अमानवीय कृत है उसका, लापरवाही नहीं है। और उसके बाद एएनएम से कह रहा है कि तुम लीक कर दो ऑक्सीजन नहीं, जबकि ऑक्सीजन इस समय भी मौजूद है 8 घंटे के साथ। और ऐसे नवजात शिशु का मृत्यु हो जाता है, डॉक्टर मौके से फरार है। इसकी सूचना हमको विभिन्न जनप्रतिनिधि महोदय लोगों की तरफ से मिला है, उसी के क्रम में मैं आज आया हूँ, सारे चीज़ों को देखा हूँ। जिनकी डॉक्टर की ड्यूटी थी वो इस समय उपलब्ध नहीं है, उनसे मैंने दूरभाष पर बात भी किया कि तुरंत आ जाए हैं, तो उनका ये कहना है कि मैं अभी तक गोरखपुर में हूँ। फिर भी यदि नहीं आते हैं तो भी जो कंसर्न लोग जो हैं जिसमें जिनको दिक्कतें हुई, जिनको परेशानियाँ, उनके बयान हमने दर्ज कर लिया है, और उसको जो है अपनी अभी जाकर के हम इस पर कुछ उचित निर्णय लेंगे। सर, आज इस तरह की घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, तो कभी मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता है, तो कभी इमरजेंसी की कोई सेवा नहीं रहती है, या फिर डॉक्टर जो इमरजेंसी पर रहते हैं वो नाराज होते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई की जाएगी? जाँच में जो चीजें सही पाई जाएंगी उनके हिसाब से जो भी प्राविधान है उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया जाएगा। सर, क्या ऐसा भी प्रावधान है कि अगर हमारी इमरजेंसी हम किसी और को कर देंगे देखने के लिए? यदि किसी आकस्मिकता में किसी को आवश्यकता पड़ जाती है, ड्यूटी है उसकी, तो वो दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करा करके और अधीक्षक से उनकी सहमति से कर सकता है। सर, अगर अधीक्षक भी ऐसा करें तो? अधीक्षक यदि उनके साथ कोई दिक्कत, वास्तव में व्यवहारिक प्रॉब्लम है, यदि कोई इमरजेंसी कैजुअलिटी हो गई तो जा सकते हैं, बशर्ते कि ड्यूटी नोट होनी चाहिए, जो भी उसका कंपनसेशन कर रहा है, जिसको ऑफिशिएट कर रहा है वो। सर, अधीक्षक डेली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, अधीक्षक या कोई भी चिकित्सा अधिकारी
जो खास करके जो ब्लॉक लेवल पे पोस्टेड हैं उनको मुख्यालय पर निवास करना कंपल्सरी है, ये शासन का निर्देश है। यदि कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो अपने विभागीय अधिकारियों से, अपने सुपर वाले अधिकारियों से परमिशन लेके ही जा सकते हैं। सर, अगर हॉस्पिटल परिसर में कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन है? यदि हॉस्पिटल में कोई घटना होती तो उसके लिए सबसे पहले तो रिस्पांसिबिलिटी उस परिसर का जो प्रभारी होता है, अधीक्षक होता है, वो सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? वही हमने सारे पक्षों की बात सुन लिया है, सारे पक्षों का एस्टिमेट ले लिया, उस पर कोई हम उचित निर्णय लेंगे। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि डॉक्टर डीएन सिंह इमरजेंसी सेवा के लिए ये परिजनों से करवाना चाह रहे थे कि आप लोग लिख के दीजिए कि ये ऑक्सीजन नहीं है। सर, क्या ऐसे जबरदस्ती किसी से कोई लिखवा सकता है? नहीं, ये भी जो है मतलब नियमता नहीं है, किसी को जबरदस्ती कोई डॉक्यूमेंट लिखवाना ये सब गलत बातें हैं। सर, हॉस्पिटल में जो है कि इमरजेंसी का जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी उपकरण होते हैं अवेलेबल नहीं है, इसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दवाइयाँ उपकरण सर लगभग सारे उपलब्ध हैं। हाँ, यह कि कुछ उपकरणों में खराबी है, कुछ हुआ है तो उसको तत्काल मरम्मत करा लिया जाना चाहिए, या कुछ जैसे जो पर्सन लोग हों, ट्रेंड नहीं है, जानते नहीं है उसके बारे में, तो उनको ट्रेनिंग दे देनी चाहिए कि उसको सही ढंग से अपडेट करें। सर, ये जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी होती है? वहाँ वाले प्रभारी की होती है, यहाँ पे हम संभव होने वो लायक होते हैं, यहाँ पे करेंगे, यहाँ संभव नहीं ट्रेनिंग है तो हम लोग जनपद स्तर पर भेजें, हम लोग कराएंगे। सर, यहाँ का जो बिजली व्यवस्था है, शाम को बिजली स्टार्ट नहीं होता, देर में आज पूरी हॉस्पिटल पड़ी है तो मरीज की दिक्कत होती है। बिजली व्यवस्था में जनरेटर वैकल्पिक व्यवस्था है भैया, कि वो किन कारणों से नहीं चल रहा है, इसके संबंध में हम अधीक्षक से बात करके वो उचित कार्रवाई करेंगे। फरार है, परिजनों का आरोप है कि उन्होंने डंडा लेकर हमसे कहा कि आप लिख के दीजिए ऑक्सीजन नहीं था, इसको क्या कहेंगे? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल महामंत्री अमरीश तिवारी जी के परिवार का एक प्रसव था यहाँ पे, और वो परिवार को लेके आए थे और यहाँ पे बच्चा भी नॉर्मल हुआ है, लेकिन केवल डॉक्टर की लापरवाही के नाते, पूरी तरह से घोर लापरवाही के नाते ये बच्चा एक्सपायर कर गया, ऑक्सीजन की कमी बताकर, जबकि यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है। केवल वो न लगा के परिवार को भ्रमित करके उस बच्चे को डेथ घोषित कर दिया गया, वो एक्सपायर कर गया। इसके लिए हमने माननीय सांसद जी से बात किया, माननीय सांसद जी ने सीएमओ को तत्काल फ़ोन पे भेजा यहाँ पे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश माननीय सांसद जी दिए हैं। हम सभी ने अभी बताया है माननीय सीएमओ साहब को, हम लोगों ने लिख के भी दिया है कि इस तरह की घटनाएँ यहाँ, डॉक्टर जो भी प्रभारी हैं और जो प्रभारी नहीं है, जो सहयोगी हैं, वो पूरी तरह से लापरवाह हैं। यहाँ सरकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, सरकार के मानक के खिलाफ काम किया जा रहा है। सरकार ने जो व्यवस्था दी है आम जनमानस के लिए, वो उसका इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो रहा, वो पूरा पैसा अपने पॉकेट में डाल रहे हैं और केवल बिल बना के वाउचर पेश कर दे रहे हैं, वो पूरी तरह से निंदनीय है। हम मांग करते हैं पुनः कि इस तरह के डॉक्टरों की यहाँ से तत्काल बर्खास्त किया जाए और यहाँ से इनको हटा के नए डॉक्टर की नियुक्ति किया जाए, ताकि यहाँ व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों को शासन के मंशा के अनुसार लाभ मिल सके, उपचार हो सके। सर, यहाँ से डॉक्टर सिर्फ इतना ही फॉर्मेलिटी करते हैं, आपका चेकअप किया और रेफर बना देते हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो बताया आपको कि अभी मैं सीएमओ साहब से इस विषय में बात किया हूँ कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं पूरी तरह से लापरवाह हैं, घोर लापरवाह हैं, वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पूरी तरह से केवल वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बाहर कुछ दलाल पोस रखे हैं, अपने पास रखे हैं, जो प्रसव में आती हैं महिलाएं उनसे 5,000 रुपये लेके उनको वहाँ भेज देते हैं। इसका मैं कई बार विरोध भी कर चुका हूँ, मैंने सीएमओ से इसके पहले भी किया था, इस बार माननीय सांसद जी ने पूरी तरह से इसको माननीय डीएम साहब से सीएमओ साहब को यहाँ भेजा है। आपने इसके पहले जो सीएमओ साहब से कंप्लेंट किया था, शिकायत दर्ज करवाई थी जी, कितना दिन हो गया? कितने दिन? 15 दिन पहले भी हमने एक शिकायत की थी, एक बुढ़ाडी खुर्द की एक महिला का प्रसव होना था, आए थे हम पूरे हॉस्पिटल में बत्ती नहीं जल रही थी, कार्रवाई तो नहीं हुई, हम लोग बात करते रह गए, ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं यही बात हुई। शासन मान लीजिए फेल है? नहीं, शासन फेल नहीं है, शासन पे कार्रवाई हो रही है, हमने हम लोगों ने लिख के दिया है, ऊपर से जब आएगा तो कर पूरे कार्रवाई के लिए मांग किया था, पुनः आज कल रात में घटना घट जा रही है, तो क्या शासन इसमें दोषी नहीं है? नहीं नहीं, शासन अपना काम कर रहा है, शासन दोषी नहीं है, यहाँ जो शासन ने जिसको लगाया हुआ दोषी है पूरी तरह से। आपने कार्रवाई की मांग किए थे तो आपकी बात को तुरंत सुना जाएगी? नहीं, हो रहा कार्रवाई, हो रही है कार्रवाई, जल्दी हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। जो लोग यहाँ 20-20 साल 25-25 साल से बैठे हुए हैं नाक बन के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए भी हमारा यही कहना है कि सरकार में हम लोग बात किए हैं,
हम लोग की जो क्षमता है उसके अनुसार हमने बात किया है, अपनी बात आगे तक बढ़ाया है, और वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से उनको हटाया जाएगा और सरकार के मनसा के अनुसार काम यहाँ होगा, कोई घोर लापरवाही यहाँ। आप जिम्मेदार पर्सन है, आप अपने अंदाजे से चाहे अपने विश्वास से बता दीजिए कि लोगों के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो जाएगी ताकि हमारी जनता हमारे माध्यम से जाने। नहीं नहीं, कार्रवाई तो बहुत जल्दी होगी और निश्चित रूप से जनता को लाभ देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से पुरजोश कोशिश किया है और वो कोशिश आगे भी जारी रहेगी। हम सभी उसके खिलाफ खड़े हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय सभी हमारे जिले के प्रतिनिधिगण सब लगे हुए हैं कि पूरी तरह से स्वास्थ्य के विषय में कोई भी अछूता न रहे, स्वास्थ्य उनको भरपूर मिले। इसी नाते हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 5 लाख रुपये की जो व्यवस्था किया आयुष्मान भारत के तहत, इसके तहत भी इलाज लोगों का करने का काम किया जाता है।